बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश वी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 25 स्टार्ट करेंगे, एडियम एंड फ्रेजेस, पेज नंबर है 156। सबसे पहले हमारे पास लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज दी गई है, यूज द इंटरनेट एंड डू सम रेफरेंस वर्क फॉर द फॉलोइंग एडियम्स, राइट डाउन देयर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। ठीक है, idioms basically होते क्या हैं? An idiom is a phrase, ठीक है, idiom phrases होती हैं, are expressions whose meaning established by custom and uses cannot be deduced from the meaning of the words it contains, ठीक है, यानी ये basically वो phrases जो वो expressions होते हैं idioms, ठीक है, जो कि जिन words पे ये contain करते हैं, ठीक है, जिन words पे ये मुश्तमिल होते हैं, उन words की meaning जो है वो नहीं होते, ठीक है, बल्कि उनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, ठीक है, यानी कुछ जनरल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एन एप्पल वन आई, ठीक है, अब एप्पल जो है फ्रूट का नेम है, ठीक है, आई जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी है, लेकिन क्या है कि उसकी मीनिंग हम उस सेंस में नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या उसका मीनिंग लिखेंगे, यानी किसी के लिए प्यारा हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि बाकी एडियम्स भी होते हैं कि डिफरेंट एडियम्स होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अगर उनको वर्डली लिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको एज अ होल लें, ठीक है, जो आपके पास फ्रेज दी होती है या एक्सप्रेशन दिया होता है, तो उनके कस्टमरी मीनिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये आप लोग नोटबुक पे अटेम्प्ट करेंगे, तो अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, यूनिट का नेम एंड यूनिट का नंबर मेंशन करेंगे। फिर हमारे पास फर्स्ट है एडियम बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नोट्स शो कर देती हूँ ताकि आपको राइट करने में आसानी हो। बिल कास्टल्स इन द एयर, इसका सेंटेंस आप लिखेंगे, सबसे पहले आप एडियम लिखेंगे, एडियम के बाद आप जैसे वर्ड सेंटेंसेस लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी अडेप्ट करेंगे, ठीक है। डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, द प्रैक्टिकली थिंग, बी प्रैक्टिकली थिंग, व्हाट इज अचीवेबल। नेक्स्ट है कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड, सेंटेंस लिखे माय अंकल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड Next day, calm before the storm. Our teacher is not saying anything at the moment, but I think it is the calm before the storm. Next day, make ends meet. Although he worked very hard, he could not make ends meet. Next is salt of the earth. Bahadur is a really nice and simple man. He is the salt of the earth. Next is see eye to eye. My mother and I do not see eye to eye on many issues. Next day, larger than life. Many characters in these movies are larger than life. Next day, learning the ropes. I have joined the office very recently. I am still learning the ropes. Next year, feather in the cap. It was the sixth consecutive win and a feather in his cap. After the peace, negotiations failed. The situation was back to square one.
ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों ने ये अच्छे से याद करनी है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दिए गए हैं. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कौन से होते हैं? वो फ्रेजेस जिनमें कोई प्रेपोजिशन यूज होती है. ठीक है, ये आप ऑलरेडी प्रेपोजिशन के बारे में पूरा यूनिट पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने इसको खुद से स्टडी करना है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शोइंग द यूजेस ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. फर्स्ट है हमारे पास एट द होम. ठीक है, यहाँ पे जो इटैलिक राइटिंग में दिए गए हैं वर्ड्स फ्रेजेस जो दिए गए हैं, एट होम, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, एट द मर्सी ऑफ, इन कॉमन विन. ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं. उसके बाद हमारे पास एडवर्बियल फ्रेजेस दिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है. एट आर्म्स लेंथ, एट द इलेवेंथ आवर, टाइम एंड अगेन, बाय हार्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एट अ स्ट्रेच, फ्यू एंड फॉर, बिटवीन, थ्रू एंड थ्रू. ठीक है, वर्ब इडियम्स दिए गए हैं. ठीक है, यानी वर्बियल इडियम्स, वर्बियल फ्रेजेस. ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स शोइंग द यूजेस ऑफ वर्ब इडियम्स. एड फ्यूल टू द फायर. अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास वर्ब यूज हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेजेस. ठीक है, वो फ्रेजेस जिनमें एडजेक्टिव यूज होंगे, ऑल एंड सन्ड्री, फॉर एग्जांपल एवरीवन, सेव ए साउंड, नल एंड वॉइड, वाइट, नल एंड वॉइड, इन ब्लैक एंड वाइट, थ्रू थिक एंड थिन, स्लो एंड स्टेडी, स्पिक एंड स्पैन, रग एंड टम्बल. ठीक है, देन हमारे पास नाउन फ्रेजेस हैं, जिनमें जो फ्रेजेस हैं उनमें नाउन यूज हुए हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय लीव्स एंड बाउंस, बैग एंड बैगेज, ह्यू एंड क्राई, पार्ट एंड पार्सल, अप्स एंड डाउन्स, वियर एंड टियर, विदाउट राइम और रीजन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज बी है. मैच द एडियम्स गिवन इन कॉलम ए विद मीनिंग्स इन कॉलम बी. ठीक है, कॉलम ए में आपके पास एडियम्स दिए गए हैं. ठीक है, और कॉलम बी में इनके मीनिंग्स दिए गए हैं. आपने अकॉर्डिंग टू एडियम इनके मीनिंग्स इन्हें ज्वाइन करना है. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ठीक है, इसे हम ओ से मिलाएंगे. अ सडन क्लैमिटी, अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्यू पॉइंट हमारे पास ये गया, समवन इन अ डिसएग्रीबल सिचुएशन. नेक्स्ट है a hard out of crack, something or someone difficult to deal with, a bed of roses, point M hai, a very comfortable situation, a square peg in a round hole, A se milayenge, a person who is uncomfortable because he or she feels like a misfit in a situation. Next day, number 6, a storm in a teacup, P से मिलाएंगे, समथिंग इनसिग्निफिकेंट टू विच पीपल रिएक्ट एक्सेसिवली एंड गिव टू मच इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, पॉइंट M है हमारे पास अ बर्डन सम पोजेशंस, समथिंग दैट क्रिएट्स मोर ट्रबल दैट देन इट इज वर्थ. नेक्स्ट है नंबर 8, ऑल ग्रीक, पॉइंट आर है हमारे पास इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऑल अ स्टोन्स थ्रो, टी से इसे ज्वाइन करेंगे, वेरी क्लोज एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, इन कोल्ड ब्लड. कॉलम बी में ई पॉइंट दिया गया, डिलिबरेटली, विदाउट प्रोवोकेशंस, deliberately, without provocations. Next है 11, in the good books of, C से मिलाएंगे, in favor with, in the twinkling of an eye, S point है very quickly. Next है number 13, prime of life,
maturity, in a fix, in a dilemma or a difficult situation. Bird's eye view, a general or overall view of things. Put on the back burner. Point B से मिलाएंगे not here, not treat as priority to be done later. Next is 17, pedal your own canoe. I से join करेंगे be independent, act like an individual. Cut from the same cloth. Point D है very similar from the same family. A shot in the arm. Point N से join करेंगे encouragement, inspiration, boost. Next day number 20, something doesn't add up. Point F है हमारे पास. It does not make sense. It is illogical. उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज सी दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इडियम्स गिवन बिलो यू कैन मेक चेंजेस टू फॉर्म ग्रामेटिकली ग्रेट सेंटेंसेस क्राइम इंक्रीजेस दीस डेज बिकॉज मेनी लॉ मेकर्स आर देमसेल्व्स हार्ड इन ग्लव्स विद क्रिमिनल्स नेक्स्ट डे यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क इट इज नॉट अप टू द मार्क शी डज Sorry, she dotes on her younger son. He is the apple of her eye. Next day, number 4. He has no job and hence no income. It is not surprising that he is always so hard up. We don't have much time for this discussion, so please stop. Beating around the bush and come straight to the point. Number 6 says the two brothers can't stand each other. They really are at daggers drawn with each other. Next step, number 7. I was on the verge of blurting out of the secret when she stopped me with an angry look in her eyes. Number 8, I delivered a rough and ready speech on the spur of the moment when I was asked to address the audience. Next day, the two parties just don't see eye to eye with each other. So reaching an agreement is proving to be very difficult. Next day, number 10, nobody likes a person who always poke his or her nose into other people's affairs. The news of her having won the top prize in the photography competition made her feel on cloud 9. Our work is progressing very well according to the original plan. Why do you want to make changes at the stage and needlessly rock the boat? नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज डी मैच द टू कॉलम्स करेक्टली टू फॉर्म कंप्लीट प्रोवर्ब्स राइट देम इन योर नोटबुक्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ ईच प्रोवर्ब इन क्लास ठीक है ये भी आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करना है ठीक है एक्सरसाइज की जो स्टेटमेंट दी गई है ये एक्सरसाइज की स्टेटमेंट आप राइट करेंगे Then first sentence है better safe than sorry ये आप बुक पे ज्वाइन भी करेंगे ठीक है और अपनी नोटबुक पे राइट भी करेंगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट पेनी वाइज काउंट फुलिश टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट बेगर्स कांट बी चूजर्स
birds of feather flock together. These said soonest mandate. A bad workman blames his tools. Don't put all your eggs in one basket. No pain, no gain. A friend in need is a friend indeed. Pride comes before a fall. Make hay while the sun shines. The early bird catches the worm. Every cloud has a silver lining. Where there is a will, there is a way. The grass is always greener on the other side. Don't put off for tomorrow what you can do today. There is no use crying over spilt milk. And last day, look before you leave. उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज ए. Choose the best meaning for each of the following idioms. ये आपके एम सी क्यू बेस दिए गए हैं, ठीक है. कॉलम ए में आपके पास idioms हैं, कॉलम बी में आपके पास मीनिंग्स में डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है. आपने इसका ट्रू मीनिंग जो है वो यहाँ से गेस करना है. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन रेनिंग हैविली. फेस द म्यूजिक अ टेरिफाइंग प्रॉस्पेक्ट. रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे. गोइंग फॉर अ सॉन्ग. बॉट आर सोल्ड वेरी चीपली. नीडल इन अ हैस्टैक. Something which is almost impossible to find. Mind your P's and Q's. Behave politely and observe social conventions. And last हमारे पास Hobson's choice. No choice at all. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यूनिट नंबर 25 था, idiom and phrases. जो हमने नोटबुक पे वर्क किया है वो भी आपने एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और यूनिट की रीडिंग अच्छे से करनी है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.